नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और इस चारपाई में दोस्तों ये पार्ट थ्री देख पा रहे हैं। पार्ट वन में नई डिजाइन की माई के बारे में बताया था, फिर ये ताना के बारे में आपको बताया, पगात के बारे में बताया। यदि वो वीडियो आपने देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखी थी, इस वीडियो के राइट साइड में आई बटन होता है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं सीधे चारपाई पे। देखिए डिजाइन कैसे बनानी वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से दो दबा कर एक उठा देनी है, फिर ये एक लहर का सिक्वेंस बना रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। चार दबा कर एक उठाइए और ये चार दबा कर एक रस्सी उठाइए, तो ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले लहर का सिक्वेंस है ये, आप सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों कि ये लहर का सीक्वेंस कैसे बनेगा, वो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो बहुत ही आसानी से देख पाएंगे दोस्तों कि ये सीक्वेंस है, ये किस हिसाब से आपको बनाना है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ये एक दबाकर और ये चार रस्सी उठा देंगे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर ये चार रस्सी बाद में आपको एक रस्सी उठा देनी, कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं करना दोस्तों। ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे, तब ये पूरी डिजाइन आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए पूरा सीक्वेंस के साथ हम चलते हैं तो वो देखेंगे। और फिर यहाँ पे भी आपको पांच रस्सी दबा कर आपको ये उठा लेनी है, फिर यहाँ पर ये रस्सी आपको चार दबा कर दोस्तों एक रस्सी उठा लेनी और एक ये हम दबा देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो पहली रस्सी मैंने सेम कलर की डाली थी, उसके बाद में एक कलर चेंज कर दिया हमें, तो बहुत ही आसानी से घुंडी आप डाल देंगे दोस्तों। और इसमें देखो दो नीचे हैं हमारी रस्सियाँ, एक ऊपर है, तो इसके अंदर से यहाँ से हम डाल देंगे दोस्तों और इस रस्सी को हम खींच लेंगे वापस। तो ये हमारी डबल घुंडी की बन जाएगी दोस्तों। तो इसका स्क्रॉल कर दीजिए, इससे पहले मैंने डबल चैन की बताई थी दोस्तों, तो वो भी आप देख सकते हैं डबल चैन कैसे बनाई जाती है। डबल माई की बताई है, सिंगल माई की बताई है, इसमें बहुत सी डिजाइंस मैंने चार पाई बताई दोस्तों। तो ये चैनल पे आप विजिट करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग आप चार पाई देख पाएंगे। और इसमें मैं आपको नाम भी लिखकर दिखाऊंगा और आकृति भी बनाकर दिखाऊंगा दोस्तों। और ये सबसे पहले आप लहर देख लीजिए, ये तीन दबाकर एक उठाई, फिर चार दबाकर एक रस्सी उठाई। सबसे आसान और सिंपल है ये लहर की डिजाइन दोस्तों। तो ये आपको देखने को मिल जाएगी कि किस प्रकार से आप लहर बनाते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको विशेषकर ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये एक रस्सी उठा देंगे, फिर एक रस्सी उठाने के बाद में दोस्तों तो इस प्रकार से चलते रहेंगे, चार दबाकर एक उठा देंगे। यहाँ पे ये सेंटर मैंने चार दबा दी यहाँ पे सीख, फिर एक उठा देंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे चार दबाकर एक रस्सी आपको उठा देंगे। तो ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे एक रस्सी उठा देंगे, एक दबा देंगे और उसके बाद में यहाँ से दोस्तों फिर यहाँ पे एक दबाइए फिर एक उठाइए, पांच दबाकर फिर एक रस्सी उठाई, फिर तीन दबाकर एक रस्सी उठाई दोस्तों, फिर ये चार रस्सी दबाकर आपको एक रस्सी उठा लेंगे, फिर ये दो रस्सी हम दबा देंगे। देखिए अब ये घुंडी डालें, यहाँ पे देखो दो कलर के आपको देख पा रही रस्सी, दोनों में आप सबसे पहले डालिए और उसके बाद में ये ब्लू कलर वाली रस्सी देख पा रहे हैं दोस्तों, इसको नीचे हम छोड़ देंगे और इससे ये वाइट वाली रस्सी हमारी इसमें हम डाल देंगे दोस्तों। तो ये हमने डाल दिया, इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा डबल घुंडी में। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए रस्सियों को। तो इसमें देखो लहर की चारपाई मैंने पर्टिकुलर बहुत सी बताई थी आपको, तीन की, चार की, पाँच की, छः की, सात की लहर, और ये भी आपको लहर बता रहा हूँ एक रस्सी की लहर कैसे बनाते हैं। इसमें तीन की, चार की, पाँच की बना सकते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई थी दोस्तों इस लहर की, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे आप चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे तो बहुत सी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर चार दबाकर फिर से एक रस्सी उठानी है और चार दबाकर एक रस्सी उठानी है, चार दबाकर आपको एक रस्सी उठा लेनी,
इसमें लहरों का सीक्वेंस देखो भी इधर जा रहा है, इधर भी आपको चेंज भी होगा इसमें, आपस में सीक्वेंस चेंज होता रहता है दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप पूरी डिजाइन समझ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। यहाँ से उठा देंगे, फिर यहाँ पे एक दबा कर, ये दो दबा कर दोस्तों एक रस्सी उठा देंगे, फिर यहाँ पे ये पांच रस्सी आप दबा देंगे दोस्तों, फिर एक दबा देंगे, फिर यहाँ पे चार दबा कर ये एक रस्सी उठा लेंगे दोस्तों। ये भी आप देखेंगे, एक रस्सी उठा कर फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये पांच दबा कर एक रस्सी उठानी है, फिर ये एक दबा कर आपको ये एक रस्सी उठा लेंगे दोस्तों, फिर यहाँ तीन दबा कर एक रस्सी उठानी है, फिर ये एक चार दबा कर आपको एक रस्सी उठा लेंगे। तो ये आपको सीक्वेंस हमारा बनेगा दोस्तों। इसमें यदि और भी चारपाई आप देखना चाहते हैं तो और भी देख सकते हैं, इसमें नाम कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको लिख कर दिखाऊँगा, और वो भी अलग डिजाइन से दोस्तों। ये हिंदी में आपको मैं तीसरी डिजाइन से नाम लिखकर दिखा रहा हूँ, इससे पहले मैंने दो डिजाइन से पहले भी लिखे थे हिंदी इंग्लिश में, दोनों में, तो वो भी देख सकते हैं। और ये भी कम समय में ये भी बहुत ही सुंदर आप नाम लिख सकते हैं, यदि आपको समझ में आता है तो इस प्रकार से नाम आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कम दिखेगा। इससे पहले मैंने हिंदी में और भी नाम लिख कर दिखाए थे इसी डिजाइन में, आपको गणित में भी लिख कर दिखाया था दोस्तों, हिंदी की गिनती में भी नंबर से मोबाइल नंबर भी लिख कर दिखाए हैं, तो वो सभी आप हमारे चैनल पर देखेंगे, विजिट करेंगे, नाम और मोबाइल नंबर के बारे में पर्टिकुलर आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देखो ये लहर आपकी बनती हुई नजर आएंगे, लहर अब ये लहर को इधर भी जाएगी, कोई इधर भी चेंज भी होती रहेंगी लहर आपस में, तो वो भी आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पे चार दबाकर आपको एक रस्सी उठा लिया दोस्तों। तो इस प्रकार से धीरे धीरे देखेंगे दोस्तों सीक्वेंस के साथ साथ ये डिजाइन भी आपको चेंज मिलेगी। देखो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये चार रस्सी आप दबा दीजिए दोस्तों, फिर यहाँ पे तीन चार दबाकर एक रस्सी उठा दीजिए, और फिर से यहाँ पे चार दबाकर आपको एक रस्सी उठा देनी, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको चार दबाकर एक रस्सी उठा देनी, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको ये चार दबाकर एक रस्सी उठा देनी है, उसके ये सीक्वेंस हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक रस्सी उठा देनी दोस्तों। अब यहाँ पे सेम आपको यही तीन रस्सी उठानी पड़ेगी, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके बाद में ये आपको एक रस्सी उठा देनी है, और यहाँ पे ये हमारी तीन रस्सी बच जाएंगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों धीरे धीरे आपको सीक्वेंस यहाँ भी देखो, आपको एक नाम मैं मान रहा हूँ, वो आपको आगे समझ में आएगा, नाम कैसे दिखेगा ये जब पूरी चारपाई देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इससे पहले आपको नहीं आएगा, और ये डिजाइन भी आपको तभी समझ आएंगे। अभी तो दोस्तों आपको ये लहर सिर्फ दिखेगी आप कि लहर कैसे बनाई जाती है, यही सिर्फ आप देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ से हर चार रस्सी उठाकर आपको दबा कर एक रस्सी उठा देनी है, फिर यहाँ से आपको चार रस्सी उठाकर एक रस्सी ये दबा देनी दोस्तों। अब यहाँ पे देखो ये तीन रस्सी दबाकर आपको ये पांच रस्सी उठा देंगे दोस्तों, ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। फिर यहाँ पे आपको तीन ये एक दबाकर एक रस्सी हम उठा देंगे दोस्तों, उसके बाद में आपको यहाँ पे ये चार रस्सी दबाकर आपको एक रस्सी उठा देना दोस्तों, और फिर ये एक रस्सी हम उठा देंगे ताकि बहुत ही आसानी से डिजाइन बन सके। और फिर यहाँ पे दोस्तों देखो अब सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगा हमारा, ये तीन दबाकर आपको एक रस्सी उठा लेनी है, ये चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, और ये तीन दबाकर फिर एक रस्सी उठानी है, फिर ये तीन दबाकर आपको एक रस्सी उठानी है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे तीन दबाकर आपको एक रस्सी उठा देना। तो देखो ये लहर आपस में चेंज हो जाएंगे हमारी, और सीक्वेंस भी ये चेंज हो जाएगा दोस्तों, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो चारपाई में हाथी घोड़ा मोर ऊँट तोता ये सभी भी आप देख सकते हैं, बोतल में चारपाई देख सकते हैं, ये सभी एक कला है, और कला हमेशा दिखाई जाती है दोस्तों। और सभी कला प्रेमियों को वैसे मेरा तहे दिल से धन्यवाद है जो इतने सपोर्ट करते हैं, और ये आपको सिंपल डिजाइन बनाना चाहते हैं तो पूरी चारपाई में इसी प्रकार से लहर की चारपाई बनाते रहिए, और आप देखते रहिए इसमें आकृति बनेगी, वो आपको पूरी चारपाई देखेंगे तभी आपको आकृति समझ में आएगी दोस्तों।
अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। या फिर खटिया के बारे में देख सकते हैं हमारे चैनल पे, जो खटिया किस प्रकार से बनाई जाती है। जो खटिया में सबसे आसान है वो चौकड़ी की है, फिर आपको पाँच कड़िया की है, छः कड़िया की है, फिर आठ कड़िया की है, नौ कड़िया की है और बारह कड़िया की है, वो सभी आप देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से खटिया बनाई जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी और सिंपल डिजाइन से। तो आगे वो सभी आप डिजाइन देखेंगे दोस्तों। और ये आपको बोतल में चारपाई के बारे में देख सकते हैं, नाव भी देखते हैं, सीढ़ी भी डाल के दिखाई मैंने, तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताई दोस्तों, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये सभी कला है और वैसे कला आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। तो ये आप देखिए, कला को देखिए दोस्तों और परखिए। अब यहाँ पे दो दबाकर एक रस्सी हम उठा देंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे चार दबाकर एक रस्सी उठा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे हमें एक रस्सी उठा लें, अब दो दबाकर आपको ये एक रस्सी उठा लेंगे दोस्तों। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ये चीज़ भी हमें देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे वापस से हमें ये एक रस्सी ही उठा लेते हैं, फिर ये तीन दबा देते हैं, तीन दबाकर ये एक रस्सी उठा लेंगे, फिर यहाँ पे एक दबाकर ये एक रस्सी उठा लेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ का आपको विशेष का ध्यान रखेंगे, फिर ये आपको तीन दबाकर एक रस्सी उठानी है, फिर तीन दबाकर आपको एक रस्सी उठानी है, फिर ये तीन दबाकर आपको एक रस्सी उठा लेनी है और ये घुंडी आप डाल दीजिए दोस्त। तो इस प्रकार से पूरी चारपाई बनी है। और डोका से मुड्डी के बारे में देख सकते हैं, जो कुचा बोलते थे, पूड़ा बोलते थे, उनसे मुड्डी कैसे बनाई जाती है, तो वो सभी भी आप देख सकते हैं। ये सभी आपको देखने का हमारे चैनल पर सिक्वेंस ही आप जाएंगे तो हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। या भैंस की मोरी होती है, छिक्की होती है, गोपन होते हैं, उनके बारे में भी आप देख सकते हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। ये सभी एक कला है और कला हमेशा दोस्तों दिखाई जाती है। वैसे पर्टिकुलर्स मैंने बहुत सी डिजाइन्स बताई है, खटिया के बारे में, पलंग के बारे में, मुड्डी के बारे में, डोकों से बनाई जाती है, वो इन सभी के बारे में देख सकते हैं। अब ये आगे डिजाइन्स कैसे बनेगी वो मैं आपको पार्ट फोर में बताऊँगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आप उससे बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।